press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कैंपस में एक बार फिर से। और इससे पहले हम संधि पढ़ रहे थे, स्वर संधि के हमने तीन भेद जो हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब आगे आज जो बचे हुए भाग हैं स्वर संधि के, यण संधि और अयादि संधि, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इसके पहले जो भाग हम पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं यण संधि से। देखिए दोस्तों, नियम है यण संधि का कि यदि इ ई उ ऊ और री, ठीक है, इ ई उ ऊ और री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए, मैंने पहले आपको जिक्र किया है इस बात का कि सजातीय और विजातीय स्वर क्या होते हैं, भिन्न स्वर होते हैं, अलग हो गए, जो ई से अलग हों या उ से अलग हो या री से अलग हो, तो इसके बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रम सह ई के स्थान पर हलंत य, उ के स्थान पर हलंत व तथा री के स्थान पर हलंत र के रूप में हो जाता है। तो यह एक आपका यण संधि का एक नियम है जो हमको याद रखना है कि ई उ और री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो उनका परिवर्तन क्रम सह ई के बाद हलंत य, उ के बाद हलंत व और री के बाद हलंत र के रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर देखिए, आप उदाहरण दिए हैं प्रत्येक, देखिए प्रत्येक को अगर हमने उसका विच्छेद कर दिया है तो प्रति और एक, प्रति आप देखिए छोटी ई और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक में ए, तो इस प्रकार ई के बाद आपका विजातीय स्वर आ रखा है ए, तो और यहाँ पर बन गया आपका प्रत्येक। उसी तरीके से आपका यद्यपि, इसमें भी ई और ओ आया है और उससे मिलने से आपका यद्यपि। स्वागत उ, छोटा उ के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो आ रखा है, तो उसका परिवर्तन क्रमशः किसमें हो जा रहा है आपका, वह में स्वागत। उसी तरीके से मैंने बोला था कि री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए, री के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ई आ रखे मात्र इच्छा, और इसका जो परिवर्तन है आपका रम हो जाएगा मात्र इच्छा। तो यह यण संधि का एक नियम है, छोटा सा नियम है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, नियम याद करें और संधि विच्छेद आप प्रॉपर तरीके से करें तो आप देख सकते हैं कि संधि बहुत सरल हो जाती है, हम लोगों के लिए काफी आसान हो जाती है। बढ़ते हैं स्वर संधि के अंतिम भाग की ओर, अयादि संधि। अयादि संधि का नियम है यदि ए आई ओ अव के बाद कोई भी विजातीय स्वर आए, ए आई ओ अव के बाद यदि कोई भी विजातीय स्वर आए तो उसका परिवर्तन आप नीचे देख सकते हैं किस तरह से होता है। ए के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए तो उसके स्थान पर अय हो जाता है, आई के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए तो उसके स्थान पर उसका परिवर्तन जो है आय के रूप में हो जाता है, ओ के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो उसका परिवर्तन औ के रूप में हो जाता है, औ के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो उसका परिवर्तन आव के रूप में हो जाता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, नेअन, नयन, ए के बाद आया है, आई के बाद आप देख सकते हैं गय और अक को मिला के बना आपका गायक, तो आय का यहां पर उच्चारण हो रहा है, ओ के बाद विजातीय स्वर आया है पो और अन मिला के बन गया पवन, उसी तरह से औ के बाद जो विजातीय स्वर आया है उससे मिलके बन गया आपका आव, पो धन अक पावक। तो यह आपका जो है अयादि संधि का नियम है कि यदि ए आई ओ औ के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो ए के स्थान पर आई, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो साधारण से नियम है यण संधि और अयादि संधि के। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो स्वर संधि है, स्वर संधि के पांच जो भेद हैं हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे से मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और निम्नलिखित में कौन सी संधि है ये आप लोगों ने बताना है, ये आप लोगों का अभ्यास कार्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।